तो दोस्तों कि आपके भी चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और आपको कस्टम यूआरएल का ऑप्शन नहीं मिला है, तो दोस्तों आप इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको क्यों नहीं मिला है और आपको कैसे मिल जाएगा कस्टम यूआरएल का ऑप्शन। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कस्टम यूआरएल होता क्या है। तो दोस्तों कस्टम यूआरएल एक यूट्यूब के द्वारा यह प्रोवाइड किया जाता है जब आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जब जो कस्टम यूआरएल बनाते हैं तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं यूआरएल अपने चैनल का, जैसे कि m.youtube.com रहेगा, उसके बाद से आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, आपका जो मन वो लिख सकते हैं और उसको आप कहीं भी सर्च करेंगे, किसी भी क्रोम ब्राउजर में सर्च करेंगे तो आपका चैनल आ जाएगा और आप व्हाट्सएप पर इसको आसानी से शेयर कर सकते हैं और आपका चैनल कोई भी खोल लेगा, ठीक है। तो चलिए और एक और फायदा कि अगर आपका चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आता तो ज़्यादा चांस बनता है कस्टम यूआरएल बना लेने से, उस नाम से सर्च करने पर आपका चैनल सर्च लिस्ट में भी आने लगता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अगर आपके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो आपको ये ऑप्शन क्यों नहीं मिला है। तो दोस्तों इसको पाने के लिए सबसे पहले 4 क्राइटेरिया को आपको पूरा करना पड़ता है, तो वो क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो तो आपको मिल जाता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि दोस्तों अगर आपका चैनल पर जो भी है, एक सबसे पहले कि आपका लोगो होना चाहिए, तो अगर आपका लोगो है तो आपको मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका चैनल पर एक बैनर होना चाहिए, ठीक है, लोगो और बैनर। उसके पास एक और क्राइटेरिया है जो कि आपका चैनल 30 दिन पुराना होना चाहिए, समझ गए बात को, आपका चैनल जो भी है वो 30 दिन पुराना होना चाहिए। और सबसे लास्ट क्राइटेरिया है कि आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 4 बात को समझ गए तो आपको कस्टम यूआरएल मिल जाएगा, ये आपको कंप्लीट कर लेना है उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो फिर से जान लीजिए, सबसे पहला कि आपके चैनल पर लोगो होना चाहिए, बैनर होना चाहिए और एक और बात कि आपका चैनल जो होना चाहिए 30 दिन पुराना होना चाहिए, ठीक है। और एक और लास्ट कि आपके चैनल पर मतलब 100 सब्सक्राइबर या इससे अधिक सब्सक्राइबर होना चाहिए तो आपको कस्टम यूआरएल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कस्टम यूआरएल कैसे लेते हैं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।